और जिस तरीके की मैच की एक्सपेक्टेशन थी एम बहरीन वर्सेस सिंगापुर में, लगभग वही, लगभग क्या वही मैच एक्जैक्टली को मिला है जो हमने पिछले पोस्ट मैच एनालिसिस में आपसे कहा था कि इन तीन टीमों के बीच में काफी अच्छा क्रिकेट देखने को हमें, कंपटीटिव क्रिकेट हमें देखने को मिल सकता है। और बहरीन और सिंगापुर ने इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज का अब तक का बेस्ट मैच जो है वो एज अ व्यूअर, अगर आप क्रिकेट फैन है डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये मैच गया सुपर ओवर तक। और वो भी ऐसा नहीं कोई हाई स्कोरिंग था, लो मतलब आप कह सकते हैं एवरेज स्कोर वाला मैच था शुरू में, उसके बाद ये मैच सुपर ओवर तक गया। कैसे चीजें घटी है और क्या रीजन रहा है कि सिंगापुर जो है वो इस मैच में अपने स्कोर को डिफेंड करने में नाकामयाब रहा, जबकि एक वक्त तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था, वो एक रीजन, उसके अलावा और कोई रीजन यहाँ पर बनता नहीं है। एंड अगर पहले बात करें यहाँ पर, तो सिंगापुर ने पहले बैटिंग की है, 20 ओवर पूरे बैटिंग भी उन्होंने की है, लेकिन किस तरह से फेस बाय फेस उनकी चीजें घटी है, फिर आगे जाकर बात करेंगे सुपर ओवर की। बिल्कुल, बहरीन की पहले बल्लेबाजी हुई, जी हाँ, और उन्होंने 73 रन अपने इस 10 ओवर में बनाए शुरू में। यहाँ पर बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत अच्छी बैटिंग करी बैट्समैन ने, 2 विकेट यहाँ गिरे जरूर 73 रन बनाते वक्त। उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहां 71 रन बनाए 11 से 20 के ओवर में, पर यहां पर स्कोर और ज्यादा हो सकता था, 6 विकेट यहां टीम ने गवा दिए और ये टोटल पहुंचा 144 पे 20 ओवर के बाद। यहां पर स्कोर और हो सकता था अगर आप 80-85 रन और करते और विकेट यहां पर अगर कम गिरते तो ऑब्वियसली आपको फायदा मिला था, आपको शुरू के 10 ओवर का 2 विकेट का नुकसान, 73 रन बने, ज्यादा विकेट नहीं गिरे, पर यहां पर जो वापसी की सिंगापुर ने वो बहुत लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब की, इसमें कोई दोराय नहीं है, और पूरा बेस तैयार करके दिया था लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को कहीं ना कहीं सिंगापुर के बैरिन के बैट्समैन ने, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं कर पाया, उसका यूटिलाइज वो नहीं कर पाया, बहुत ही आप कह सकते हैं एवरेज नोट पर स्कोर खत्म किया। लेकिन पहले हाफ में तंग बन गए थे, उसकी बदौलत कहीं ना कहीं ये स्कोर जो है वो 140 क्रॉस करने में कामयाब रहा और 144 रन पर 8 विकेट 20 ओवर में यहां पर कंप्लीट हुई बैरिन की इनिंग। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, बाद में तो क्लियर पता चल रहा है कि 6 विकेट मिलकर सिर्फ 70 रन बने हैं, लेकिन मेन कंट्रीब्यूटर आखिर इस मैच में कौन रहे जिनकी वजह से टीम इतना स्कोर भी कर पाई? बिल्कुल, प्रशांत कुरुप जिन्होंने 33 रन की पारी खेली अपनी, और उसके बाद सोहेल अहमद ने भी 32 रन बनाए हैं, जी हाँ, और उसके बाद अहमद नसीर ने 22 रन की पारी खेली है। ये तीनों हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं अपनी टीमों के लिए, इन्हीं की बदौलत टीम यहाँ तक स्कोर तक पहुँच पाई, और खासकर अहमद नसीर ने नीचे आके थोड़ा सा इनको हिटिंग किया, थोड़ी बाउंड्रीज क्लियर किए, तब जाकर ये स्कोर एक अच्छा टोटल वो बोर्ड पर लगा पाए जिसको वो टारगेट कर सकते हैं, बचाने के लिए देख सकते थे, वरना स्कोर शायद हमें एक 120-125 के आसपास देखने को मिलता। बिल्कुल, तो इसमें भी इन्होंने 34 डॉट बॉल्स खेली हैं, लगभग 6 ओवर आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें से जाहिर सी बात है जो सेकंड हाफ रहा है इसमें 70 पे 6 विकेट गिरे हैं उनको क्रेडिट बहुत ज्यादा जरूर जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इस गेम के हाईएस्ट स्कोरर है बैरिंग के लिए उनको भी कहीं ना कहीं जाएगा, जहां पर उन्होंने 32 गेंदें ले ली 33 रन बनाने के लिए, क्लियर कट है। तो यहाँ पर इस स्कोर की अगर हम बात करें तो जो खास करके सेकंड में जो 70 पे 6 विकेट गिरे हैं इसमें आप किसको ज्यादा दोष देंगे, बॉलिंग अच्छी हुई है सिंगापुर की या फिर बैरिंग ने अपने हाथों से विकेट गंवाए? जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि शॉट्स भी आपको देखने होंगे किस तरीके के विकेट गिर रहे हैं, जब आपके पास स्कोर है ये थोड़ा समझने की जरूरत है बैट्समैन को, ये काफी हम देख रहे हैं यहाँ पर इस सीरीज में कि आप ओवर एग्रेसिवनेस ओवर एक्सेसिव शॉट्स के लिए जा रहे हैं जिससे बचने की जरूरत है, कभी कभी वो काम करेगा, ऑब्वियसली करेगा, T20 क्रिकेट है, आखिर मारना ही सब कुछ होता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्लेयर ऐसे भी पैदा हुए हैं यहाँ जिन्होंने इतना मारा नहीं फिर भी उनके रन काफी है T20 में अगर ओवरऑल क्रिकेट की बात करें, पर ज्यादा ओवर एग्रेसिवनेस यहाँ काफी हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से विकेट लगातार गिरते जा रहे हैं। बिल्कुल, और यार एग्रेसिवनेस में भी अगर आप रैश शॉट खेलेंगे तो फालतू का जस्टिस ही नहीं है, वो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीज हमें पिछले मैचों में भी देखने को मिली है, आज के मैच में जो एक मैच हुआ था सुबह उसमें भी और इसमें भी और पिछले कल वाले मैच में भी हमें ये देखने को मिला है, और ये देखने को मिलता रहेगा इस सीरीज में, इस बात की जो पूरी गुंजाइश है इस सीरीज में। बिल्कुल, तो बॉलिंग की बात करें तो सिंगापुर के लिए जयराम प्रकाश ने 2 विकेट निकाले 4 ओवर में 26 रन, वहीं पर आर्यन सुनील 4 ओवर में 26 रन और 1 विकेट यहां पर निकालने में कामयाब हुए। क्लियर कट है कि बैरिन के बैट्समैन ने अपना विकेट जबरदस्ती रैश शॉट्स के चक्कर में विकेट अपने गंवाए हैं, तो खैर क्लियर है। अब यहाँ डिफेंड की बात करें यार, तो इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए जब बहरीन के बॉलर्स उतरे तो वहां पर क्या हाल रहा, क्योंकि ये मैच हुआ है टाई फिर गया है सुपर ओवर। बिल्कुल सही,
गई और बहुत अच्छी शुरुआत तो हुई यहाँ पर, लेकिन आप चेस कर रहे हैं तो सामने वाली टीम से आपको और बेहतर होना है। सामने वाली टीम ने बहरीन ने 73 रन जोड़े थे और आपने सिर्फ 60 रन जोड़े हैं यहाँ पर, आप काफ़ी पीछे रह गए हैं और दो विकेट आपके भी गिरे हैं यहाँ पर। सिंगापुर की हम बात कर रहे हैं, दो विकेट सिंगापुर ने भी गंवाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 84 रन वापसी बहुत अच्छी थी कि 84 रन आपने बनाए, जितने का नीड था उतने आपने ज़रूर किए, पर 5 विकेट यहाँ गिरे और अच्छे ऊपर के बैट्समैन जाने की वजह से सही टाइम पर विकेट लिए गए बहरीन की बल्लेबाज गेंदबाजों ने, उसकी वजह से यहाँ दिक्कत खड़ी हुई सिंगापुर को कि वो जीत नहीं पाए पहले तो वो सुपर ओवर तक पहुंचा पाए। बिल्कुल, ये तो क्लियर है। और कहीं ना कहीं जो थोड़े 13 रन पीछे चल रहे थे फर्स्ट हाफ में, अगर आप कंपेयर करेंगे उसको उन्होंने सेकंड हाफ में ठीक कर लिया, इक्वलाइज कर लिया, तब जाकर वो स्कोर जो है टाई पे रुका। एंड इस बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन में कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूटर रहे हैं, साथ में कौन से ऐसे बैट्समैन है कॉन्ट्रीब्यूटर जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा और अगर गेंद बचा पाते तो शायद यहाँ पर मैच सिंगापुर के फेवर में जाता, खास करके इसी में सुपर ओवर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूर देखिए, अमृति कौल जो है वो 56 रन उन्होंने किया, ओपनिंग आए थे और काफी नीचे तक वो गए हैं 19वें ओवर में। जी हाँ, 18.2 ओवर में उनका विकेट गिरा और उसके बाद मैच अचानक से टर्न हो गया। मनप्रीत सिंह ने भी 29 रन जरूर किए, अब्दुल ने भी 28 रन की पारी खेली, ये पारी जरूर है, अच्छी अच्छी इनिंग जरूर रही है यहाँ पर। आप 15 बॉलों में आपने 28 रन किए और ऊपर से अब्दुल की फिर भी अच्छी रही है, वरना तो शायद हार ही जाते सुपर ओवर तक जाता ही नहीं मैच। लेकिन अमृत कौल का जहाँ वो विकेट गिरा उसके बाद थोड़ा सा ये हो गया कि आप ज्यादा ही मारते हुए चले, आप लोगों को लगा आप जीत सकते थे सिंगल डबल्स लेके या बाउंड्रीज को आप चेक करते, वो ना कर कुछ बल्लेबाज जो वहां पर आए वो शॉट खेलने के लिए चले गए, तो इससे बॉल्स भी लूज हुई, रन्स आपके अकॉर्डिंग बने नहीं और आप पर प्रेशर आ गया। लेकिन अब्दुल ने काम अच्छा किया, डबल्स लिए और हाथों का रन चुरा लिया और इससे प्रेशर आया बहरीन के बॉलर्स पर, जो वो ग्रैब नहीं कर पाए, प्रेशर में वो बह गए, प्रेशर में वो डटे नहीं, वो बह गए, इसलिए उसका फायदा सिंगापुर को मिला। बिल्कुल, तो फर्स्ट हाफ में यही हाल रहा है कि बहरीन के फील्डिंग ने भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प की है सिंगापुर के बैट्समैन को, जहां एक था दो लिया, दो था तीन लिया, जहां पर एक भी नहीं था, एक या दो रन थे वहां पर, कहीं ना कहीं लास्ट ओवर लास्ट ओवर में तो फिर बात एकदम अलग ही पहुंच गई। यहां पर एक चीज और है कि अमृत कौर जो है जिन्होंने ओपनिंग के लिए आए थे, अब उनकी बॉलिंग देखिए, माफ कीजिएगा बैटिंग देखिए, ओपनर है और 64 बॉलों में उन्होंने 53 रन बनाए, 56 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होता। यहीं पर कहीं ना कहीं अगर एक आध दो चार पांच बॉल अगर बची होती एज अ ओपनर, ये डेफिनेटली जस्टिफाइड नहीं है कि आप 64 बॉलों में 56 रन बनाए, ये बिल्कुल भी नहीं। यहां पर थोड़ा बहुत गुंजाइश हो सकती थी। सिंगापुर के बॉलर्स की अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा बहरीन के बॉलर्स की अगर हम बात करें, तो वहां पर किस तरह से देखा गया, फील्डर्स ने फंबल जरूर किया लेकिन बॉलर्स का क्या? बिल्कुल, बॉलर्स की वजह से ये बहुत मोमेंटम आया, खासकर मोहम्मद रिजवान जो उनके स्ट्राइक बॉलर है, 4 ओवर में 19 रन 3 विकेट, पिछले मैच में भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था, 2-3 विकेट वहां भी निकाले थे। दानिश जी हाँ, उन्होंने भी 3 ओवर में 17 रन 2 विकेट निकाले, ओवरऑल बॉलर्स का काफी अच्छा परफॉर्म हुआ है और खासकर इन दोनों बॉलर्स का जिस क्रूशल मोमेंट पर लोगों ने बॉलिंग कराई, विकेट निकाल के दिए टीम को, इससे प्रेशर आई सिंगापुर और सही वक्त पर विकेट गिरते गए। मिड फेस में विकेट चाहिए था आपको, पावर प्ले के दौरान विकेट चाहिए थे आपको, आपको वहां पर भी विकेट मिले, बहरीन ने विकेट निकाले, मिड फेस में ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाले और लास्ट मोमेंट पर जो प्रेशर बना सिंगापुर के बल्लेबाजों पर, वो इन्होंने ही बनाया इन दो बॉलर्स। बिल्कुल, तो स्कोर जाकर रुका 144-144 दोनों ही टीम का, जहां पर कहीं ना कहीं स्कोरिंग टीम से गलती हो गई थी जब उन्होंने 143 लिखा था बहरीन का स्कोर, लेकिन टाई या स्कोर हुआ उसके बाद मैच सुपर ओवर तक गया। और अगर मैं बात करूं यहां पर सिंगापुर की, तो उन्होंने 10 रन बनाए, सिर्फ मोमेंटम को ग्रैब नहीं कर पाया और एक विकेट उनका गिरा, उसी को बहुत ही आसानी से यहां पर बहरीन ने, और सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो जो छक्का लगाया था इमरान अनवर ने, गेंद सील हो गई थी और उसके बाद एक बॉल रहते हुए 11 रन उन्होंने बना लिए और बहरीन इस क्वार्टरफाइनल सीरीज में अपना पहला मैच जीतने में कामयाब रही। और सिंगापुर अभी भी एक भी जीत इस क्वार्टरफाइनल सीरीज में उन्हें नसीब नहीं हुई है। वापस से हम आपको बता दें कि मलेशिया दो जीते, दोनों माफ कीजिएगा दो खेले दोनों जीते, बहरीन दो खेले एक जीते एक हारे, सिंगापुर दोनों खेले दोनों हारे और कतर दो खेले दो एक जीते और एक हारे। तो ये हाल रहा है अभी तक मलेशिया क्वार्टरफाइनल सीरीज का। जैसे हमने पहले ही कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था, मलेशिया जो है वो एक फाइनलिस्ट जरूर है लेकिन सेकंड फाइनलिस्ट के लिए यकीन मानिए काफी इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है कतर सिंगापुर और बहरीन के बीच में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली चैनल के साथ, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाय।